आप इस समय देख रहे हैं आई फॉर यू चैनल, जिसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं संजय कुमार भगत। आज यूरोप में राष्ट्रवाद पर मुख्य टॉपिक जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, अर्थात जर्मनी का एकीकरण, इस पर हम चर्चा करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद पर जर्मनी के एकीकरण पर आज चर्चा किया जाएगा। इसके पहले इटली के एकीकरण पर चर्चा किया जा चुका है और बहुत से बच्चों को लाभ हुआ है। आइए हम जर्मनी के एकीकरण पर पहला पॉइंट देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि प्रतिदिन आई फॉर यू चैनल के द्वारा सामाजिक विज्ञान के इतिहास में डेली क्लास चल रहा है, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन का सेट रोज डिस्कस किया जाता है। उन बच्चों से आग्रह है कि जो क्लास नहीं आ रहे हैं किसी कारणवश, वो हमारे चैनल को ज़रूर देखें और इससे संबंधित सभी पॉइंट्स को अपने कॉपी में नोट करें, ताकि जब भी आप विद्यालय आएँ, हमारे क्लास में आएँ, तो आप उसको दिखा दें, कॉपी को दिखा दें और किसी भी प्रकार के पनिशमेंट से बचें। अन्यथा कॉपी नहीं दिखाने पर आपके ऊपर आर्थिक रूप से दंड लगाया जा सकता है तथा अन्य कार्रवाई की जा सकती है। आइए हम पहला पॉइंट पर चर्चा करते हैं, जर्मनी के एकीकरण, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का टॉपिक है। पहला पॉइंट है कि जर्मनी में कब तथा किसके नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा। जर्मनी कब तथा किसके नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा। ठीक है, तो सही जवाब है मध्यकाल में जो है 800 ईस्वी के लगभग, ठीक है, शार्लमा के नेतृत्व में जर्मनी संगठित था। और किसके नेतृत्व में था? शार्लमा के नेतृत्व में। ठीक है, इसका कोई मतलब बहुत टुकड़े टुकड़े में विभाजित नहीं था, मध्यकाल में जर्मनी एक था, बाद में यह विभाजित हुआ। ठीक है, तो जर्मनी जो है 800 ईस्वी में लगभग मध्यकाल में शार्लमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ यानी मजबूत अवस्था में था। आगे देखते हैं जर्मनी के साथ क्या होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर पॉइंट है, आधुनिक युग आते आते जर्मनी कितने भागों में विखंडित हो गया। अब देखिए कि जर्मनी जहां मध्यकाल में 800 ईस्वी के समय शार्लमा के नेतृत्व में संगठित और पूरे मजबूत स्थिति में था, ठीक है, वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि मॉडर्न एज आते आते, आधुनिक काल आते आते इसका विभाजन हुआ और कितने लगभग छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो गया। 300 छोटे बड़े राज्यों में जर्मनी विभाजित हो गया। और तभी जो है बाद में राष्ट्रभक्त को, राष्ट्रवादियों को जर्मनी के एकीकरण को, एकीकरण का प्रयास करना पड़ा। किन्होंने किया प्रयास, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि मध्यकाल में जहां जर्मनी मजबूत और सुदृढ़ अवस्था में था, वही मॉडर्न एज में, आधुनिक युग में ये टूट गया, छोटे छोटे टुकड़े और बड़े टुकड़े में बट गया, लगभग 300 प्रदेश में, 300 राज्यों में। ठीक है, थैंक्स। तीसरा पॉइंट लेकर आई है जर्मनी के एकीकरण पर कि जर्मनी के किस हिस्से में प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज्यादा थी। जर्मनी के किस हिस्से में प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज्यादा थी? उत्तर जर्मन राज्यों में। जर्मनी के उत्तरी हिस्से में जो जर्मन का उत्तर क्षेत्र था, वहां पर जो है किसकी संख्या ज्यादा थी? प्रोटेस्टेंट मतावलंबी। ठीक है, क्रिश्चियन में जो है, ईसाई धर्म मानने वालों में, ईसाई धर्म का भी जो है भाग है, एक प्रोटेस्टेंट है और एक कैथोलिक है। हाँ, तो हम चर्चा करेंगे बाद में। जर्मन के यहाँ उत्तरी हिस्से में जो है प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज्यादा थी। ठीक है, थैंक्स। अब अगला पॉइंट जो है वो बच्चे जो बिहार के स्कूल में पढ़ते हैं, बिहार विद्यालय के 10th क्लास की तैयारी करते हैं, बिहार बोर्ड की 10th क्लास की तैयारी करते हैं, अगर आप पहला पाठ पढ़ रहे हैं या आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो आप आई फॉर चैनल यू के द्वारा उनके सभी प्रश्नों को एक एक करके आप देखें और इसको समझने का प्रयास करें, ताकि यूरोप में राष्ट्रवाद पर अच्छी समझ आपको हो सके। तो चौथा प्रश्न है कि उत्तर जर्मन राज्यों में किसका प्रभाव था। तो क्या है सही जवाब? प्रशा का जो है, उत्तर जर्मन राज्यों में किसका प्रभाव था? प्रशा का। सही जवाब है प्रशा, उत्तर जर्मन राज्यों में प्रशा का प्रभाव था। थैंक यू।
पांचवा पॉइंट है, दक्षिण जर्मनी में किस मतावलंबियों की संख्या अधिक थी? कैथोलिक की। जहाँ उत्तर जर्मन में प्रोटेस्टेंट की संख्या ज्यादा थी, वही दक्षिण जर्मनी में किसकी संख्या ज्यादा थी? कैथोलिक की संख्या ज्यादा थी। ठीक है, तो आगे आने वाले समय में हम इसमें चर्चा करेंगे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए तैयार। जर्मनी के एकीकरण पर छठा प्रश्न है कि जर्मनी के प्रतिनिधि सभा का नाम क्या था? क्या था प्रतिनिधि सभा का नाम? डायट था। जर्मनी के प्रतिनिधि सभा का नाम डायट था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आप उसको ध्यान देंगे कि जर्मनी के प्रतिनिधि सभा का नाम डायट था। थैंक यू। तो सातवां पॉइंट लेकर आ रही हैं हमारे विद्यालय की छात्रा, इनका प्रश्न है सातवां पॉइंट जर्मनी के एकीकरण पर कि जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। बहुत अच्छा जवाब कि जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि, मतलब जर्मनी का जो एकीकरण उसको शुरू करने का प्रयास किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। बहुत अच्छा जवाब और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। और ये आठवां पॉइंट लेकर आई है, आइए देखते हैं जर्मनी के एकीकरण पर आठवां पॉइंट क्या है। किसने 1806 में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया? तो कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। इसने क्या किया 1806 में? जर्मन के जो छोटे छोटे 300 प्रदेश थे ना, उन्हीं प्रदेशों पर इसने क्या किया? आक्रमण किया और जीत कर जो है एक राइन राज्य संघ का निर्माण किया। ये भी पूछा जाता है किस संघ का निर्माण किया, जिस संघ का निर्माण किया उसका नाम क्या था? राइन राज्य संघ। ठीक है, और इस काम को अंजाम किसने दिया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। यानी नेपोलियन बोनापार्ट के शुरुआत से ही, इसके प्रयास से ही जर्मनी का एकीकरण शुरू हो चुका था। जो जर्मनी 8वीं शताब्दी मध्यकाल में काफी मजबूत थी, सुदृढ़ अवस्था में थी, वो आधुनिक युग में विखंडित हुई, लगभग 300 छोटे बड़े प्रदेशों में बट गई। पुनः नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है, उसको राइन राज्य संघ बनाकर उसको एकीकृत करने का प्रयास किया, शुरू किया। इसका श्रेय इसी को, नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। थैंक्स। आइए मेरे व्यूअर्स, 9 नंबर पॉइंट मिसिंग है, इसलिए आपको 10 नंबर पॉइंट बताया जा रहा है। 10वां पॉइंट है, जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ाने वाले प्रमुख कलाकार कौन कौन थे? जर्मन में राष्ट्रवादी भावना बढ़ाने के लिए वहाँ कौन कौन कलाकार, कौन कौन लोग थे? ठीक है, कौन कौन बुद्धिजीवी लोग थे? तो वे थे हीगल, कान, हम्बोल्ड, अंडर, जैकब ग्रीम। ये सबका नाम जानना जरूरी है कि जर्मन की राष्ट्रवाद को बढ़ाने में इन लोगों ने काफ़ी योगदान दिया। कौन कौन? हीगल, कान, हम्बोल्ड, अंडर, जैकब ग्रीन। ठीक है, थैंक यू। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी जर्मनी के एकीकरण पर 11वां पॉइंट है, प्रसा का चांसलर बिस्मार्क किससे प्रभावित था? प्रसा का चांसलर बिस्मार्क किससे प्रभावित था? तो सही जवाब है हीगेल। प्रसा का चांसलर बिस्मार्क के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, इसका यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत बड़ा रोल था, लेकिन यह किससे प्रभावित था? हीगेल से प्रभावित था। बहुत अच्छा, अगला किसी दूसरे को दो, किसी दूसरे को। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पर 12वां और अंतिम पॉइंट है आज की क्लास का, कि जर्मन में किस कलाकार ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई? जर्मन के किस कलाकार ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किया, ठीक है, और करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई? वो कौन थे? हीगल थे। हीगल के बारे में क्या जानते हैं आप? ये जर्मन के ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या की उन्होंने, ठीक है, और जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। बाद में हम चर्चा करेंगे कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना है, और इसके बाद लगातार 3 दिन 29, 30 और को छुट्टी है, और 1 मई को भी मजदूर दिवस की छुट्टी है। तो हम पुनः 2 तारीख को मिलेंगे। हम सभी व्यूअर्स से और सभी क्लास के छात्रों से आग्रह करेंगे, 10th क्लास के 9th क्लास के छात्रों से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और क्लास में
जो भी मटेरियल्स आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।